हाय एवरीवन दोस्तों, ये जो जनाब हैं यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार जी, इन्होंने सीयूटी पीजी की जो डेट्स हैं अपने एक ट्वीट के थ्रू अनाउंस कर दी हैं। हालांकि ऑफिशियल नोटिस अभी सीयूटी की वेबसाइट पर आना बाकी है, लेकिन चूंकि इनका ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है तो उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी है कि सीयूटी के जो एग्ज़ाम है वो किस डेट पर कंडक्ट होगा। इसके लिए इनके ट्वीट्स आप खंगाल सकते हो। यहाँ पर मैं इनके ट्विटर पेज पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2023 विल बी कंडक्टेड ऑन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 June 2013। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट NTA वेबसाइट CUET NTA वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द सेम। तो ये अपडेट इन्होंने दी है कि भाई जो CUET पीजी का एग्ज़ाम है वो 5 जून से 12 जून के बीच कंडक्ट होगा। अब एज़ पर द CUET प्रोस्पेक्टस, CUET का एग्ज़ाम दिन में 2 सेशन में होगा, एक मॉर्निंग का सेशन है और एक आफ्टरनून का सेशन है। तो आपका एक्चुअल सेशन कौन सा होगा, आपकी जो एक्चुअल डेट है इनमें से वो कौन सी होगी, वो आपके एडमिट कार्ड पर आ जाएगी या फिर हो सकता है डिटेल शेड्यूल भी NTA अनाउंस करे कि किस पेपर कोड का एग्ज़ाम किस दिन हो रहा है, तो उसके बाद वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी इन्होंने ऊपर से बता दिया है कि भाई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये डेट्स रखी गई हैं CUET PG का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि SOL के स्टूडेंट हमारे चैनल पर हैं, उनके सेमेस्टर 6 के साथ ये डेट क्लैश कर रही होगी। तो अभी तो ये डेट अनाउंस इन लोगों ने कर दी है ट्विटर के अकॉर्डिंग, अब देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट डेट आती है आपके पेपर कोड के अकॉर्डिंग, क्या वो डेट क्लैश करती है या नहीं करती, उस चीज़ का आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अजीब बात है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक क्रूशल पार्ट है SOL, और उनको मालूम है कि ये चीज़ कि SOL के एग्ज़ाम जून तक जा रहे हैं सेमेस्टर 6 के, तो इस चीज़ का तो ध्यान एटलीस्ट इन लोगों को रखना चाहिए था यूनिवर्सिटी को, बिकॉज DU एक मेजर पार्ट है इस बार CUET के अंदर, तो इतना तो एक्सपेक्टेड था कि कम से कम ये डेट तो क्लैश ना करें। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल के लिए ये डेट आ गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी अगर आपने CUET का फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है तो उसकी लास्ट डेट 5 मई तक एक्सटेंड हो गई है, तो आप उसको भर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।